हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQs फ्रॉम ESE फ्रॉम राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इफ GS इज एज गिवन, द सिस्टम इज स्टेबल इफ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और हमें फाइंड करना है K की वो वैल्यू जिसके लिए सिस्टम स्टेबल है। तो हम कैसे करेंगे, राउथ हर्विट्ज टेबल बनाएंगे सबसे पहले, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 + GS = 0। यहाँ से आप एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी SQ + A + B S² + ABS + K = 0। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्म करते हैं RH टेबल। सबसे जो फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ S वाली रो, तो ये क्या हो जाएगी S³। नेक्स्ट हो जाएगी S², उससे नेक्स्ट होगी S⁻¹ एंड फिर S⁻¹। अब देखिए S³ के जो एलिमेंट्स हैं हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा कॉफिशियंट ऑफ S³ जो कि क्या है 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, कॉफिशियंट ऑफ S⁻¹ जो कि क्या है AB। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 1 एंड AB। सिमिलरली लिखेंगे हम S² के लिए, तो क्या हो जाएगा A + B एंड K। तो ये हो गया A + B एंड K। अब नेक्स्ट जो रो है हमारी S⁻¹ की, वो हम कैसे लिखेंगे, A + B × AB - K डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये हो गया और नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 0। यहाँ पर अगर हम 0 0 लें तो ये एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब S⁻¹ का हम देखते हैं क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा K। अब हमें क्या करना है, सिस्टम को स्टेबल होने के लिए K की कंडीशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या होना चाहिए, सेम साइन चाहिए होना चाहिए, तो या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अब देखिए देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पर क्या है 1, वो क्या है पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए A + B, यहाँ पर देखिए A > 0 है और B > A है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर S⁻¹ वाली रो देखिए, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसको भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि हमारे बाकी एलिमेंट्स क्या है पॉजिटिव है। तो AB A + B - K दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से K क्या हो जाएगा, लेस देन AB मल्टीप्लाइड बाई A + B, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए K, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए K शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर कोई और टर्म होती तो आप यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन ये है कि एक तो S की हर पावर वहाँ पर प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है कि S⁻¹ मिसिंग हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हर पावर S की होनी चाहिए और सारे कोफिशियंट सेम साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए S³ का कोफिशियंट क्या है, पॉजिटिव है, तो K क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो K क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन AB मल्टीप्लाइड बाई A+B, जो कि गिवन है ऑप्शन C में। तो यहाँ पर ऑप्शन C हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम कंटेन्स एनी कोफिशियंट विच इज, फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव रियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ S। ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव रियल कोफिशियंट पे हम RH क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, नेगेटिव रियल बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन ऑफ S, ये अगेन क्या हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है नेगेटिव रियल गिवन है। सी ऑप्शन देखिए, बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन ऑफ S, ये क्या है करेक्ट है, क्योंकि ऐसा होगा तो RH क्राइटेरिया हम अप्लाई
नहीं कर पाएंगे। डी ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लेक्स बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन ऑफ एस, ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट प्रेजेंट है तो भी हम आरएच क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर फिट हो रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आरएच क्राइटेरिया गिव्स फर्स्ट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आरएच क्राइटेरिया से हमें क्या पता चल जाता है कि राइट हाफ में कितने पोल्स हैं या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर कैसे पोल्स लाई कर रहे हैं, तो उससे हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, द नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड इज द गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गिवन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज, ओके, तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें फाइंड करना है कि राइट हैंड साइड में कितने रूट्स प्रेजेंट है। तो कैसे करेंगे, आरएच टेबल फॉर्म करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हो जाएगी S4 रो, सेकेंड हो जाएगी S3। S4 रो के कोफिशिएंट क्या होंगे, सॉरी, S4O के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। सिमिलरली S3O के देखिए 1 एंड 2, ठीक है। अब देखते हैं S2O, S2O के एलिमेंट्स देखिए क्या हो जाएंगे, 2 - 2 / 1 विच विल बी 0। नेक्स्ट हो जाएगा 3 - 0 / 1, दिस विल बी 3 एंड नेक्स्ट विल बी 0। अब हमें यहाँ पर कैसी रो मिल रही है जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट 0 है बट उस रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट रो, 0 को हम अज्यूम करेंगे जीटा विच इज़ पॉजिटिव एंड अप्रोक्स टू 0। अब S to the power 1 रो हम देखते हैं, 2 जीटा - 3 / जीटा, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 0। सिमिलरली देखिए S to the power 0 क्या हो जाएगा, 3 multiplied by this - 0 / this, तो ये हो गया 3। अब हमें RHS में रूट देखने हैं तो कैसे देखें कि फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम में जितने साइन चेंज है उतने रूट्स क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, वन टू वन नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगेन पॉजिटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जीटा क्या है, अप्रोक्स 0, 2 जीटा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और यहाँ पर क्या है, -3। तो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर साइन चेंज हमें मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ये है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी साइन चेंज मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 रूट्स हो गए RHS में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन। ओके, अभी तो हमने क्या फाइंड किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था नंबर ऑफ रूट्स इन द RHS ऑफ एस प्लेन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी एक्सिस पर कितने रूट्स है। अगेन हम सेम प्रोसीजर लेंगे, सबसे पहले तो S to the power 6 रो लिखेंगे, उसके बाद S to the power 5। तो S to the power 6 रो देखिए, एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 8, 20 एंड 16। तो ये हो गया 1, 8, 20 एंड 16। नेक्स्ट रो देखिए, 2, 12 एंड 16। इस रो में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1, 6 एंड 8। ओके, अब S to the power 4 रो देखते हैं क्या हो जाएगी, देखिए 8 - 6 / 1 दैट इज इक्वल टू 2, 20 - 8 / 1 12, 16 - 0 / 1 इज 16। अगेन इस रो में से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं लिख देती हूँ 1, 6 एंड 8, ठीक है। अब S3 रो देखेंगे तो देखिए ऊपर वाली जो दोनों रो है वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पर S3 रो हमें क्या मिलेगी, 0 रो मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि इमेजिनरी एक्सिस पर रूट्स प्रेजेंट है, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी,
अपर रो से हम लिख सकते हैं उसको एस टू द पावर 4 + 6s² + 8 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्योरली सॉरी इमेजिनरी एक्सिस पर कितने रूट्स हैं वो हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आप लिखेंगे 4, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में आपको फोर्थ ऑर्डर की अगर है तो 4 इमेजिनरी पोल्स मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी हो सकता है कि आपको 2 रियल पोल मिले और 2 इमेजिनरी, तो यहाँ पर आप बेटर है रूट्स फाइंड कर लें। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं s4 + 4s² + 2s² + 8 = 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी s² + 4s² + 2 = 0। तो यहाँ से देखिए आपको रूट्स क्या क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा s = ±2j, यहाँ से 2 रूट मिल गए, एंड सेकेंड s = ±√2j, 2 रूट्स ये मिल गए। तो टोटल कितने रूट्स हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीनियर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज इनवेरिएबल स्टेबल इफ इट्स ओपन लूप कॉन्फिगरेशन इज स्टेबल। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओपन लूप स्टेबल है तो क्लोज लूप भी स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। रीजन इज द नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन लूप सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू अ क्लोज लूप सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ नेगेटिव फीडबैक हैविंग ट्रांसफर फंक्शन 20 × s+1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें गिवन है OLTF हमें गिवन है और हमें फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और हमें देखना है कि ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है या नहीं, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ओपन लूप के लिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ओपन लूप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव कोफिशियंट है और बाकी सारे कोफिशियंट क्या है पॉजिटिव, यानी कि सारे कोफिशियंट जो है वो सेम साइन के नहीं है। तो ये क्या हो गया, जो ओपन लूप है वो हो गया अनस्टेबल। ठीक है, अब क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 + GS HS = 0। तो वहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 20s + 1 + s³ + 1.5s² + s - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिलेगा s³ + 1.5s² + 21s + 19 = 0। तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसकी आप जो स्टेबिलिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्ट वो मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज एज गिवन, वट आर द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच लाई टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन s + 1 = 0। अब ये क्वेश्चन जो है इसका प्रोसीजर सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, s = 0 लाइन जो है हम उसके लेफ्ट या राइट में हम रूट्स फाइंड करते हैं, लेकिन अभी ये क्या हो गया है s + 1 = 0। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, s + 1 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है p। ठीक है, तो s क्या हो गया p - 1। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर भी s है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, s = p - 1, और p की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगी। तो हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो मिलेगा पी के फॉर्म में। तो उसमें अगर अगेन हम क्या करेंगे, RH क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे रूट्स इन द लेफ्ट हाफ। कैसे फाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज है वो क्या हो गए राइट हाफ में हो गए, और हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो 5 में से अगर हम राइट हाफ रूट्स को हटा दे तो क्या मिलेंगे हमें, लेफ्ट हाफ रूट्स, तो उतने लेफ्ट हाफ रूट्स हो जाएंगे। और यहाँ से जो हमें p = 0 के लेफ्ट हाफ में जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे एक्चुअल में, s + 1 = 0 के लेफ्ट हाफ रूट्स।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से पी क्या है, एस प्लस वन की इक्वल। अब पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद जी एस एज गिवन। द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, वॉट इज द रेडिएशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर हमें बोला है सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है और पूछा है रेडिएशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या बोल सकता था वो, कि सिस्टम में प्योरली इमेजनरी रूट्स प्रेजेंट है या फिर सस्टेंड ऑसिलेशन है। तो मार्जिनली स्टेबल की जगह ये वाली टर्म्स भी यूज हो सकती थी और सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस फोर प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम आर एच टेबल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर वन एंड एस टू द पावर जीरो। एस क्यूब के जो एलिमेंट्स होंगे वन सिक्स एंड जीरो, तो ये हो जाएगा वन एंड सिक्स। नेक्स्ट देखिए फोर एंड फोर प्लस के, तो ये होगा फोर फोर प्लस के। नेक्स्ट रो कैसे लिखेंगे, 24 माइनस के डिवाइडेड बाय फोर एंड जीरो। नेक्स्ट रो विल बी फोर प्लस के। अब हमें मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोला है तो क्या होगा, जीरो रो प्रेजेंट होगी, तो कौन सी रो को हम जीरो बनाएंगे, एस टू द पावर वन। तो यहाँ पर देखिए 24 माइनस के दिस विल बी जीरो, तो के यहाँ से हमें क्या मिलेगा 20। तो यहाँ पर अगर आपको के की वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या आंसर लगाते, 20। बट हमें क्या पूछा है, रेडिएशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जीरो रो है उसके जो ऊपर वाली रो है उसको देखते हैं, वो हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी, फोर एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस के की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 20 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एस जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, एस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा लेंगे आप, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो मिलेगी आपको स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन स्टेबल इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो इसका तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्या करता है इनस्टेबिलिटी में, अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हाई गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन थ्री क्वेश्चन हो सकते थे, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अनस्टेबल, तो देखते हैं यहाँ पर फॉर्म करते हैं सबसे पहले तो हम राउट टेबल, तो वो हो जाएगी दिस। ओके नाउ देखिए, एस टू द पावर फोर रो क्या हो जाएगी, वन 24 एंड के। नेक्स्ट रो विल बी एट एंड 32, एट यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी वन एंड फोर। ठीक है, नेक्स्ट रो देखिए 24 माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन विच विल बी 20। नेक्स्ट विल बी के माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन, तो ये हो जाएगा के। अगेन एस टू द पावर वन रो देखते हैं, 80 माइनस के डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा जीरो, एस टू द पावर जीरो रो का देखिए दिस विल बी के। ठीक है, अब स्टेप क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल के लिए देखो, सबसे पहले देखो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, के शुड बी पॉजिटिव। अनस्टेबिलिटी के लिए क्या बोल सकते हैं हम, कि के नेगेटिव होना चाहिए, बट ऑप्शन में कोई नेगेटिव ऑप्शन तो हमें गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एस टू द पावर वन देखिए 80 माइनस के डिवाइडेड बाय 20।
अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ए टी माइनस के शुड बी लेस देन जीरो, या आप क्या बोल सकते हैं के शुड बी ग्रेटर देन ए टी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन है जिसमें के जो है ए टी से ज़्यादा है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम इज गिवन बाय द डैम्पिंग रेशियो जीटा विल बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्टली तो जीटा नहीं बता सकते, लेकिन देखो यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो इसका मतलब क्या है, ऑसिलेशन है। ठीक है, तो ऑसिलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आर एच टेबल में ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे फर्स्ट होगी एस क्यूब, नेक्स्ट होगी एस स्क्वायर, नेक्स्ट होगी एस टू द पावर 1 एंड आफ्टर डेट एस टू द पावर 0। कॉफिशियंट देखिए एस क्यूब का 1, नेक्स्ट विल बी 6, तो यहाँ पर हो गया 1 एंड 6। एस स्क्वायर का देखिए 2 एंड 12, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 6। देखिए नेक्स्ट रो यहाँ पर क्या आएगी, 0 रो हमें मिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, जो कि क्या हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जीटा क्या है, 0, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीडबैक सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज गिवन इज, यहाँ पर हमें अगेन स्टेबिलिटी देखनी है। तो देखिए ये हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, आर एच क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, आर एच टेबल बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में के की किस वैल्यू के लिए साइन चेंज नहीं होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा के ग्रेटर देन 0, के कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि के अगर 0 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0, तो एस क्यूब की टर्म एबसेंट हो जाएगी, और इन दैट केस द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, यहाँ पर के ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी आर, फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव फीडबैक इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी एंड सिस्टम रिस्पॉन्स इज लेस सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इनपुट्स एंड पैरामीटर वेरिएशंस। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसीलिए हम नेगेटिव फीडबैक को मोस्टली यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि ये स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो सेंसिटिविटी है पैरामीटर वेरिएशन या एक्सटर्नल इनपुट के लिए उसको ये कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर व्हेन एनालाइज्ड विद अ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ गेन के इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगेन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, जबकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में कौन स्टेबल है। तो ओपन लूप सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हो जाएगी एस स्क्वायर एस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, देखिए एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो हमारी सफिशियंट कंडीशन है आर एच क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की सारी पावर्स ऑफ एस प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एस टू द पावर 1 एंड एस टू द पावर 0 पावर जो है वो क्या है, मिसिंग है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, आप सेकेंड देखिए क्लोज लूप सिस्टम के लिए, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के इक्वल्स टू 0, और हमें क्या गिवन है कि के ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जब आप सिस्टम देखेंगे तो सिस्टम आप क्या फाइंड करेंगे, स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पर ई एस में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कोफिशिएंट देख के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट है तो आपका सिस्टम स्टेबल ही होगा, वो सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे तो वो और भी बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन सी,
इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ईएस के जो सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वो सिमिलर टाइप के थे, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है विद आंसर की आपको मिलेंगे पीडीएफ में, जिसको कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।